इतिहास के पन्नों में एक कहावत कही जाती है कि गढ़ आला पनसिंगेला। इस कहावत का मतलब था कि हमने किला तो जीत लिया पर अपने शेर को खो दिया। इस कहावत में जिस शेर की बात कही जा रही है वो थे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रिय मित्र और सेनापति तानाजी मालुसरे, जो कि कोडाना के किले में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जिनकी वीरता के आधार पर 2020 में एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें तानाजी का अभिनय अजय देवगन ने बड़े ही अच्छे ढंग से संभाला था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए जानते हैं तानाजी मालुसरे के जीवन के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचें। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का राज था। औरंगजेब बड़ी ही तेजी से अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। उस समय मराठों और मुगलों में जंग छिड़ी हुई थी जिसमें मराठा बड़ी ही बहादुरी से मुगलों का सामना कर रहे थे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में उस समय 35 किले आते थे जिन पर शिवाजी महाराज का अधिकार था। एक दिन मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम ने पुरंदर के किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि यह युद्ध उनके हित में नहीं है। इस युद्ध से उनके साम्राज्य का काफ़ी नुकसान होगा और जान माल की भी काफ़ी हानि होगी। उन्होंने सोचा कि युद्ध के और भी कई मौके हमें मिलेंगे। अपने लोगों को मुगलों को सौंपने के बजाय उन्होंने संधि करने का फैसला किया और 11 जून 1665 को जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच एक संधि हुई जिसे हम इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे, जिसमें सिंहगढ़ का किला भी शामिल था जिसे आज हम कोडाना किले के नाम से जानते हैं। सिंहगढ़ का किला एक महत्वपूर्ण किला था क्योंकि इस किले को पश्चिमी इलाके की राजधानी के तौर पर देखा जाता था। पुरंदर की संधि के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल साम्राज्य आगरा औरंगजेब से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर औरंगजेब ने उन्हें धोखे से नज़रबंद कर दिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो वहां से फरार हो गए और महाराष्ट्र आ गए और आने के बाद उन्होंने अपने किले को वापस जीतने का अभियान शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कोडाना किले को जीतने की जिम्मेदारी अपने प्रिय मित्र और एक कुशल सेनापति तानाजी मालुसरे को दी। इस अभियान में उनके भाई सूर्याजी भी शामिल थे। कोडाना का किला उस समय मुगल कमांडर उदयवान के कब्जे में था। इस किले पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इस किले की दीवारों पर सीधी चढ़ाई करनी थी और दुश्मन से युद्ध करना था। फिर वो दिन आया, 4 फरवरी 1670 को तानाजी मालुसरे सिर्फ 300 सैनिक लेकर गए थे। तानाजी के भाई सूर्याजी किले के मुख्य द्वार पर छिपे रहे और तानाजी कुछ सैनिक लेकर दीवार पर चढ़ गए और दीवार फांदकर किले में अंदर दाखिल हो गए। किले में जाने के बाद उन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए और अपनी सेना को अंदर ले लिया। फिर दोनों सेनाओं में आमने सामने भीषण युद्ध हुआ। उदयवान ने छलांग लगाकर तानाजी पर जोर से वार किया जिसकी वजह से तानाजी की ढाल टूट गई। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। तानाजी जख्मी हो गए लेकिन उन्होंने उदयवान को मार गिराया। इसके बाद वे खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गए। कोडाना के किले पर मराठा साम्राज्य का विजय पताका लहराया। शिवाजी इस बात से बेहद खुश थे, लेकिन तानाजी जैसे वीर और अपने प्रिय मित्र को खोने का उन्हें गम था। उस वक्त उनके मुंह से निकल गया कि गढ़ आला पनसिंगेला, यानी हमने किला तो जीत लिया पर अपने शेर को खो दिया। तानाजी के जीवन के आधार पर जो फिल्म बनी थी उसमें अजय देवगन ने बड़ी ही बारीकी से
तानाजी की वीरता को दर्शाया है। तो दोस्तों, यह थी तानाजी मालुसरे की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों।